तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आ चुके हैं हमारे छत पे और बची है अभी घड़ी में 9:30। नीचे के सारे ही काम को मैं करके आई हूँ और अभी छत पे कुछ कुछ काम करूँगी। छत बहुत गंदी हो रही है, आपको बताएंगे। और इस वाली DIY में हम कुछ लगाएंगे, वो भी आपके साथ में करेंगे हम शेयर। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। पहले गार्डन को क्लीन करना है, बहुत सारी पत्तियाँ हो रखी है। और कुछ खाद भी बनाई थी, उसका भी रिजल्ट आपको देखो वहाँ बना के रखी थी, वो भी आपको बता दूंगी कैसा क्या रहा। तो चलो ठीक है, हमारे गार्डन का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो गार्डन में किस तरीके से फैल रखा है कचरा। जैसे कि आपको पता है मुझे पूरा बिकाने का टाइम नहीं मिलता, तो ये हो गई गार्डन की कंडीशन अब। तो चलो ठीक है, पहले साफ़ सफाई कर लेते हैं अच्छे से पूरे गार्डन की, उसके बाद में फिर वो काम करेंगे अपना, वो DIY लगाएंगे। तो ये तो अच्छा हुआ मैंने कल आके शाम को सारे ही पौधों में अच्छे से दे दिया था पानी। तो चलो ठीक है, एक बार ओवरव्यू आपको मेरे पूरे गार्डन का दे देती हूँ झाड़ू लगाने से पहले। ये देखो ब्लूमिंग पे आ गया। तो इस तरीके से यहाँ तो सब बढ़िया चल रहा है, सब फटाफट से दे देती हूँ आपको, क्योंकि कल भी शायद मैंने दिया था। यहाँ से वहाँ तक के सारे मेरे प्लांट्स हैं, ये हैं, यहाँ मेरी सारी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं मेरे, ये सारे। और वहाँ इस तरीके से मेरा सेटअप रहता है कुछ, ये इधर, ये ऐसा, ये वाला इंडोर प्लांट का ये वाला सारा एरिया देखो, मैं दूर से दिखाती हूँ। ये इतना जो एरिया रहता है ना यहाँ से, ये इतना सारा देखो और दिखाऊँ आपको, ये सारा मेरा इंडोर प्लांट्स का रहता है। ये सारा का सारा मेरे इधर धूप थोड़ी देर तक रहती है, और इधर रहता है आउटडोर प्लांट्स का सारा का सारा, बिकॉज इधर पूरे दिन भर की अच्छी धूप रहती है। तो ये सारा हमारा हुआ आउटडोर और इधर का सारा इंडोर। तो चलो ठीक है, तो फिर झाड़ू लगाते मेरे को लगा एक बात आपके साथ शेयर भी की जाए। तो ये झाड़ू जैसे लगाई, उसके बाद क्या वही सारा कचरा जितना भी होता है ना, कचरे को मैं क्या करती हूँ इकट्ठा करके रखती हूँ, क्योंकि वो एक तरह से बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है आपके पौधों के लिए। उसे फेंकते नहीं है उसे, जैसे ये वाला मेरा फर्टिलाइज़र वाला डिब्बा है, अभी इसमें भर दूँगी, क्योंकि इसका जो बकेट है ना वो वहाँ बाहर रखी है। तो जाके फिर उस बकेट में ही सारा का सारा मैं कचरा भर दूँगी, और फिर इसकी बनेगी ड्राई खाद लीफ की। और लीफ की खाद आप देखेंगे, ये देखो ये वाली खाद यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे ना इस खाद के बारे में, ड्राई लीफ की खाद कितना फ़ायदा करती है आपके पौधों के लिए, तो आपको पता चलेगा इसके फ़ायदे। इसीलिए जो गार्डन का कोई वेस्टेज वगैरह होता है सिर्फ फेंक के नहीं, कचरा ना समझे, ये बहुत अच्छा आपके पौधों के लिए होती है। एक तरह से कह लो गोल्ड का, पौधों के लिए गोल्ड का काम करती है। इसको ऐसा कुछ कहते भी हैं, और अच्छा सा याद नहीं आ रहा है मुझे। तो चलो ठीक है, इसे भरते हैं, और कैसे क्या यूज़ में लेंगे वो भी आपको मैं बता दूंगी। कुछ नहीं करना होता इसे बाद में, ये जो पूरे सूख जाते हैं तो इसे अच्छे से हम कर लेते हैं ब्रश, हो जाते हैं ये पत्ते आपको पता है, और फिर इसे पौधों में डाल देते हैं, दो मुट्ठी, तीन मुट्ठी ऐसे करके। तो इस तरह से आप अपने पौधों का ये वेस्ट सारा कचरा वेस्ट ना समझ के इसे आप यूज़ में ले सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा झाड़ू का काम हो गया है कम्प्लीट। ये हमारी लीव्स वगैरह हैं, इसे हम रख देंगे कहीं, यहीं रख देते हैं, धूप अच्छी आती है तो सब होता रहेगा। और एक और मैं आपको मेरी खाद के बारे में बता रही थी, देखो ये मेरी खाद मैंने अभी तैयार की है। पहले वाली तो हमारी पूरी हो गई थी ख़राब, ये तो सूख के अच्छी बढ़िया हो गई है। इसमें कल क्या हुआ, पानी डल गया, इसमें पौधे को पानी डाल रही थी ना वहाँ पर, तो यहाँ के पानी इसमें गिर गया, तो उसको अभी सुखानी पड़ेगी मुझे। तो ये खाद किस तरीके से मैं तैयार करती हूँ, इसमें देखो होता है काउडंग केक, उसको मैं ऐसे बारीक बारीक कर लेती हूँ इस तरीके से, और वो होना चाहिए आपका कम से कम एक साल पुराना। और सेकंड थिंग इसमें होती है वर्मी कंपोस्ट। मैं कितना रेशो बताऊँ आपको, जैसे 50% इसमें काउडंग केक, इसमें आप 20% ले लो वर्मी कंपोस्ट, इसमें फिर नीम खली डाल देती हूँ 10%। इसके बाद में क्या हुआ, और क्या, ये जो अभी मैंने आपको बताया ना ड्राई लीफ का, वो डाल देती हूँ। तो इस तरीके से मिला के मेरी पूरी हो जाती है अच्छे से खाद तैयार, और नीम खली भी इसमें डाल दी हूँ।
तो इस तरीके से मेरा पूरा मैन्यूर तैयार हो जाता है अपने पॉटिंग मिक्स में डालने के लिए। ये सूख रहा है, इसको इतने से पहले सूखने देती हूँ, ये लग गया कल यार, और फिर उठा के इस बकेट में अपने डाल दूँगी। तो ये बहुत अच्छा रहता है पौधों के लिए। तो देखो इनको अच्छे से धूप फूप लग जाए, इसलिए मैंने रख दिया अपने ये, इन सबको यहाँ अच्छे से बढ़िया से धूप लग जाएगी। तो चलो ठीक है, अब दूसरे काम में लगते हैं। तो देखो मैं जिस प्लांट की बात कर रही थी वो है हमारा ये स्नेक प्लांट, ये बेस्ट ऑक्सीजन प्लांट भी है। हाँ, इसके देखो ऐसे पब्स निकलते रहते हैं, आपको दिख रहे ना ये इस तरह के, अरे ये हाँ इसका पम निकाल दूँगी एक, इसको थोड़ा गमले को नीचे तोड़ते हैं। तो देखो स्नेक प्लांट का ऐसा कोई सीज़न नहीं होता, विंटर समर ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसको आप किसी भी सीज़न में इजीली ग्रो कर सकते हैं। और इसकी छोटी सी अगर आप लीव भी लगाओगे ना तो वो भी इजीली लग जाती हैं। तो इसका ये पम निकल रहा था और मेरे पास स्नेक प्लांट, मेरे को ना इंडोर भी लगाने हैं बिकॉज़ ये बेस्ट ऑक्सीजन प्लांट रहता है। तो इस तरह मैंने इसको ये निकाल दिया है, इसका एक पब ये और एक ये वाला भी निकाल देती हूँ। देखो एक बार मोबाइल रख के निकालो। तो इस तरीके से मेरे को ये इसके दो पब मिल गए, ठीक है, और इसको मैंने वापस एज इट इज़ लगा दिया, लगा के दिया इसकी मिट्टी विट्टी थोड़ी सी डेकिंग वगैरह करके लगा दी, साइड में इसके तुलसी जी भी खिल रहे हैं। तो मैं क्या फटाफट काम करती हूँ, देख आपको मैंने मेरे मैन्योर का बता दिया था, और बाकी इसमें 25% गार्डन सॉइल और 25% रिवर सैंड। तो इस तरीके से ये मैन्योर हो जाता है हमारा बनके तैयार। अब इसमें ये दोनों के दोनों स्नेक प्लांट लगा दूँगी। तो ये देखो मेरे पास एक सिरेमिक पॉट रखा था, क्योंकि ये स्नेक प्लांट शेलो पॉट में भी चलता था, इसमें लगाऊँगी मैं इसे। एक इसमें लगा दिया है मैंने, पानी अभी देना है मुझे, और जैसे मैंने एक शेलो पॉट में उसमें भी लगा रखा था, देखो कितना अच्छे से वो ग्रो कर रहा है। तो एक इसमें भी लगा देंगे, इसमें कुछ नहीं करूँगी, बड़ा बहुत बड़ा होल होता है, और ये इसमें, और ये मैं कोटा से लाई थी 20 रुपीज़ का, ये देखो पूरा का पूरा इतना 35 का दिया था उसने मुझे ये। और अब मैं इसमें पॉटिंग मिक्स भर के सेम ऐसा लगा दूँगी। स्नेक प्लांट आप जैसे किसी को गिफ्ट करें ना तो बहुत अच्छा रहता है गिफ्ट करना, और इंडोर प्लांट बेस्ट ऑक्सीजन प्लांट ऑफिस में रखना, ऑफिस में रखते हैं ना ऐसे, मोस्टली ऑफिस वगैरह में भी रखा जाता है। तो इस तरीके से ये मेरे हो गए हैं दो स्नेक प्लांट। और आप स्नेक प्लांट खरीदने जाएँ तो बहुत ही आते हैं कॉस्टली, तो इस तरीके से आप इसे इसके पब को सेपरेट करके बहुत सारा बना सकते हैं। और ये होता है पता है बहुत हार्डी प्लांट, इसका कुछ नहीं बिगड़ता, एक बार आपके गार्डन में आ गया। अब तो इसकी रेट नर्सरी में बहुत महंगी होने लगी है, एक बार आपके गार्डन में आ गया तो ये वापस मतलब खूब सारे एक प्लांटर से आप कम से कम बहुत सारे प्लांटर्स बना सकते हैं। तो इसमें एक बार और थोड़ा सा पानी दे देती हूँ, पानी जब तक देना होता है जब तक ड्रेनेज होल से बाहर ना निकले। तो बस यार मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मुझे सर भी धोना है, यहीं धो के छत पर बाल बाल सुखा के जाऊँगी। तो बस और क्या, और बाकी गर्मी में और सर्दी में इसको मतलब कुछ जैसे कुछ शेड में रखने की और ऐसी कोई भी खास ज़रूरत नहीं होती है, ये बहुत हार्डी प्लांट है, कैसे भी रखोगे सर्वाइव कर जाएगा, पानी कम से कम दोगे तो भी चलेगा, कुछ नहीं बिगड़ता है। और ये ऑक्सीजन का अच्छा सोर्स है, जैसे कि आपको पता है सिटी वगैरह में कितनी वो हो रही हैं क्या बोलते हैं धूल वगैरह होती है, सांस लेने प्रॉब्लम होती है, तो ये प्लांट लगाइए, ये बहुत अच्छा होता है। इवन ये छोटी सी लीफ मिल जाए उसकी कटिंग से भी लग जाता है, कभी उसका भी बताऊंगी आपके साथ में। तो चलो ठीक है, अभी सब अपनी जगह रख देते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है पता है। तो चलो ठीक है, ओके बाय फ्रेंड्स।